तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम आ गए हैं रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज में और यहाँ का आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का अब एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी निकल आया है, तो अब सब सोच रहे हैं एडमिशन के लिए। तो अपने रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज का आपको रिव्यू बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग FG कॉलेज बस पहुंच ही गए हैं और आपको बता दें कि FG कॉलेज जो है वो रायबरेली में 8 अगस्त 1960 में बना था, इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ का एड्रेस क्या है, तो कचहरी रोड इंद्रनगर आवास विकास कॉलोनी के पास ये पड़ता है, या आप इसको डिग्री कॉलेज चौराहा के नाम से बहुत ही फेमस है, वहाँ भी जान सकते हैं। चलिए, अब जो मेन बात है कोर्स एडमिशन वगैरह की, तो वो हम शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कब से होंगे ये भी वीडियो के बीच में बताएँगे। अब चलिए शुरू करते हैं आपको बताना यहाँ के धीरे धीरे सारी जानकारियाँ। इस समय यहाँ पर कोई एग्ज़ाम चल रहा हुआ, उसकी डेट शीट वगैरह लगी है और रूम नंबर्स लगे हुए हैं, सिटिंग प्लान। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग भी सही नहीं होगी, तो जितना वीडियो बना पाएंगे उतना आप तक पहुँचाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वीडियो FG कॉलेज रायबरेली का। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें यहाँ पर कोर्स में जो एडमिशन होते हैं वो किस किस स्ट्रीम में होते हैं, तो आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन एंड साइंस, ये तीन स्ट्रीम, चार स्ट्रीम यहाँ पर हैं जिनमें कोर्सेज में एडमिशन होता है। और अब आपको आगे इसकी ब्रीफ डिटेल्स हम लोग देना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर BA हिंदी लिटरेचर, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशियोलॉजी, BA साइकोलॉजी, BA इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड मिलिट्री साइंस, ये BA हो गए यहाँ पर, और BA मैथमेटिक्स भी, BSc केमिस्ट्री, BSc बॉटनी, BSc मैथमेटिक्स, BSc फिजिक्स, BSc जूलॉजी, BSc मिलिट्री स्टडीज़, BA मैथ्स और BSc इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर होता है। उसके अलावा दोस्तों, BEd के लिए तो ये कॉलेज फेमस है ही है, और साथ ही यहाँ पर दोस्तों BCom भी होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इतने सारे कोर्सेज हैं मगर कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं बताया गया, तो आपको बता दें कि टेक्निकल कोर्स या कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स जो हैं उसके लिए रायबरेली में ही FG की एक दूसरी ब्रांच FGIT के नाम से है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सारे कोर्स होते हैं, BCA, BBA, BTech वगैरह, तो आप ये सारे कोर्सेज वहाँ पे कर सकते हैं जाके, जो कि रतापुर में है। अब आते हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में, तो MA यहाँ पर इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मैथ से, पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी से, संस्कृत से और सोशियोलॉजी से, यहाँ पर इतने सब्जेक्ट्स में MA होता है। उसके अलावा MA जो होता है वो, और यहाँ पर दोस्तों MCom और MA इकोनॉमिक्स भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर MSc मैथमेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc बॉटनी, MSc फिजिक्स, MSc जूलॉजी और MA मैथमेटिक्स होता है। अब आते हैं दोस्तों, ये सब तो रहे कोर्सेज यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो अब आपको बता दें यहाँ पर कि जो कोर्सेज में कितनी सीट आपको मिलेंगी एडमिशन की, वो आपको वेबसाइट पे FG कॉलेज की मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे डालेंगे FG कॉलेज रायबरेली तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फिर वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि कितनी सीटें अभी बची हुई हैं। अब आते हैं दोस्तों एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए हमने यहाँ पे एक लोगों से पूछा था, वो भी हम आपको पूरी क्लिप दिखाएंगे लास्ट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एडमिशन है वो यहाँ पर 1 जून से स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 1 जून से यहाँ पर एडमिशन के लिए आप आ सकते हैं पूछने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी है, कैंटीन भी है। और दोस्तों आपको बता दें कि FG कॉलेज जो है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, पहले कानपुर से था मगर अब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी, ऑडिटोरियम भी है। उसके अलावा यहाँ के जो बहुत ही दिग्गज पढ़ के निकले हैं, अखिलेश सिंह जो कि रायबरेली के पूर्व विधायक थे, जिनका तो बहुत ही नाम था रायबरेली में, और वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। उसके अलावा राम सिंह पटेल, मनोज कुमार पांडे, ये सब भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। तो ये यहाँ के कुछ बड़े हस्तियाँ हैं जो कि FG कॉलेज से पढ़ी हैं और आज काफ़ी नाम है उनका। दोस्तों, अब आपको मैं थोड़ा रिव्यू देना चाहता हूँ यहाँ के कॉलेज का। तो रिव्यू इस हिसाब से है कि जब मैंने यहाँ के लिए सर्च किया था तो यहाँ पर सर्च करने पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जा रही थी, नोटिसेस वगैरह भी अपडेट रहती थी वेबसाइट पे, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो फ़ोन नंबर दिए थे वेबसाइट पर, उस फ़ोन नंबर पर बार बार मिलाने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठता था, उसमें कभी नॉट रिचेबल, कभी इस तरह से कुछ भी बहाना मतलब उसमें आ जाता था। तो मतलब अगर कोई दूर है बैठा है तो उसको अगर यहाँ पर एडमिशन के बारे में इंक्वायरी करनी हो तो वो उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो इसलिए मतलब अपडेट नहीं है टेक्नोलॉजी पे अपना, तो ये यहाँ का थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगा, जो कि यहाँ पे सही करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ से जो कैलेंडर आता है, जो भी चीज़ होती है उसी के हिसाब से होता है। और दोस्तों, मुझे अब कोई अगर जानकारी नहीं प्राप्त होती है यहाँ के बारे में तो उसके लिए मैं एक नया ब्लॉग बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पर। और उसके अलावा मैंने BBD यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स भी अपलोडेड है, आप वहाँ के बारे में भी अगर सर्च करना चाहें तो मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार, और ये क्लिप जरूर देखिए। पहली जून, 1 जून से सारे BA BSc सब में फॉर्म मिलेंगे पहले। अच्छा, तो उसकी वेबसाइट पे तो आ जाएगा ना, फॉर्म भर के जमा करना। ठीक, धन्यवाद।
Thank you.